एक तरफ सरकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर पूर्ण जोर प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ पाली जिले के सेनरा ग्राम पंचायत के धोलिया ग्राम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आज भी कई समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिसकी तरफ ना तो स्थानीय ग्राम पंचायत कोई दिलचस्पी ले रही और ना ही जनप्रतिनिधि, जिसके चलते विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और छात्राएं आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूरी तरह से वंचित है। दरअसल ये विद्यालय पूर्व में नेशनल हाईवे 165 के समीप था, जो कि विद्यालय की भूमि नेशनल हाईवे बनने के दौरान हाईवे में विद्यालय चला गया था। वहीं हाईवे में चले जाने के बाद विद्यालय की मुआवजा राशि भी मिली तो वो भी बहुत कम। हाईवे में विद्यालय चले जाने से नया भवन सेनरा थाने के समीप बनाया गया। वर्तमान में इस विद्यालय पर नजर दौड़ाई जाए तो विद्यालय में कुल 130 बच्चे अध्ययनरत हैं और प्रधान अध्यापक के अलावा 6 शिक्षक इस विद्यालय में नियुक्त हैं, जिससे कुल 7 का स्टाफ इस विद्यालय में है। विद्यालय में 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कमरे सिर्फ 2 ही हैं। कमरों की कमी के चलते विद्यार्थियों को सर्दी गर्मी व बरसात के मौसम में बाहर गैलरी में ही बैठकर पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई में कई तरह के व्यवधान भी पैदा होते हैं। विद्यालय में कमरों की कमी के चलते 3 कमरे और बनाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत इस कार्य को करवा रही, जो कि बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। करीब 1 साल से इन 3 कमरों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत अब तक पूर्ण नहीं कर पाई है। जहाँ बच्चे गैलरी में पढ़ाई करते हैं, उसी के पास दूसरे निर्माणाधीन कमरों का कार्य चल रहा है, जिससे हादसे का भी भय रहता है। विद्यालय में खेल मैदान तो है, लेकिन मैदान भी समतल नहीं होने और 4 दीवारी नहीं होने से आवारा पशु भी दिन भर विद्यालय में विचरण करते रहते हैं। खेल मैदान के अभाव में कई बच्चे अपनी प्रतिभाओं को नहीं निकाल पाते हैं। बरसे बलिया जिला में श्याम सैनी की रिपोर्ट, न्यूज अंडे राजस्थान। जिले के सेनरा ग्राम पंचायत के दोलिया में जहाँ पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तस्वीरों आप देख रहे हो, यहाँ पर आज हम आए हैं और यहाँ पर विद्यालय की जो समस्या है उनको भी हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर जो अध्ययनरत बच्चे हैं, यहाँ पर 130 बच्चे अध्ययन है और विद्यालय में करीब 7 का स्टाफ है। स्टाफ पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था के लिए जो अभी वर्तमान में कमरे हैं, 2 कमरे हैं और इनको करीब 2 साल से बच्चे हैं जो यहाँ बाहर की गैलरी है, विद्यालय की गैलरी में पढ़कर अध्ययनरत करते हैं, जिससे एक तरफ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और शिक्षा में बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता देने का प्रयास करें, वहीं दूसरी तरफ धोलिया स्कूल का जो आज का हालात है वो इस कदर बया हो रहा है कि अब इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा और किस तरह की गुणवत्ता की शिक्षा इन बच्चों को मिल पाएगी। अब तस्वीरों में हम ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चे किस तरह से गैलरी में बैठे हैं और अपनी जो यहाँ शिक्षा अध्ययन करना आते हैं, ये बच्चे किस तरह से अब इन शिक्षकों को पढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस जो बाहर बैठी हुई है, सिर्फ 1 क्लास जो 8 क्लास है वो अंदर कक्षा के अंदर बैठी है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पे जो 1 प्रधान अध्यापक रूम है और इसके अलावा 2 कमरे हैं, 2 कक्षा का, और जो हम तस्वीरों में ये भी दिखाएंगे जो उधर जो ये दिख रहे हैं, ये करीब 1 साल से पेंडिंग पड़ा है। ये 1 विधायक कोष से कमरे का निर्माण किया जाना था और 1 जो विद्यालय की जो पूर्व में जो विद्यालय बना हुआ था जो हाईवे में चला गया था, उसकी सिर्फ 4 दीवारी का 1,37,000 रुपये मुआवजा राशि आई थी उसके सहयोग से, और इसका कार्य ग्राम पंचायत को दे रखा है। भवन ये कक्षा कक्ष जो बन रहे हैं और फिलहाल ये कक्षा कक्ष 3 कक्षा कक्ष बन रहे हैं और 3 कक्षा कक्ष इतनी डिलेय से इस कार्य का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से, और हम इस तस्वीरों के माध्यम से ये भी दिखाएंगे कि जो ये कार्य चल रहा है भवन का, इनमें जो ये छत डाली हुई है, छत के नीचे जो ये लकड़ियों के सारे जो छत को रोक रखा है और बच्चे भी पास में अध्ययनरत है और जिससे किसी भी समय कोई बड़ा हादसे का भी आशंका रहती है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली ये भी बात है कि जो मेन मुख्य है बच्चों को शिक्षा के ऊपर, वो क्योंकि जो बच्चे गैलरी में बैठ के शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ दूसरी एक बड़ी समस्या ये भी दिखाएंगे, विद्यालय में जो मैदान है, मैदान बहुत बड़ा है लेकिन मैदान का समतलीकरण नहीं होने की वजह से खेल मैदान का भी पूरी तरह से अभाव है और यहाँ की जो प्रतिभाएं इस स्कूल से जो प्रतिभाएं जो यहाँ से अगर खेल मैदान अगर हो जाए तो यहाँ की बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो अपनी खेल में जो रुचि रखते हैं बच्चे, वो भी विद्यालय में अगर खेल मैदान का अगर सुविधा हो जाए या खेल मैदान अच्छा बन जाए तो बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ से भी आगे अपना नाम रोशन करने और स्कूल का और गाँव का नाम रोशन करने में बहुत सी प्रतिभाएं निकल सकती है। लेकिन जो समस्या है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको अवगत करा रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी अगर ये तस्वीरें यही बयां कर रही है, जनप्रतिनिधि भी इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसकी वजह से जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कितनी डिले से चल रहा है और अभी फिलहाल
बच्चे जो बैठे हैं तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि अब जैसा कि अभी वार्षिक परीक्षाएं भी नजदीक आने लगी है, तो किस तरह से बच्चे ये यहाँ परीक्षा दे पाएंगे। और अभी फिलहाल इनके ऊपर दौर आती पा रहा है कि उनको परीक्षा की चिंता भी सताई जा रही है। साथ ही अभी जो गैलरी में बैठ के बच्चे जो अध्ययनरत हैं वो अपनी शिक्षा ग्रहण करें, अब जो वीडियो जो तस्वीरें बन रही है उसमें शोर भी सुनाई दे रहा है कि किस तरह से बच्चे एक दूसरे क्लास में हैं, जो डिस्टर्ब भी जरूर हो रही है जिससे पढ़ाई में भी बाध्य जरूर होता है। वर्तमान मुख्य समस्या है चार दीवारी की, खेल मैदान की जो समतलीकरण नहीं और बच्चों के बैठने के कमरों की, ये तीन चार मुख्य समस्या है। सर जो आठवीं तक कक्षा है क्लासें चलती है और दो कमरों में संचालित हो रही हैं, तो कैसे क्या संचालित करते हैं सर? बच्चों को कुछ को बरामदे में एडजस्ट करके बैठाते हैं, कमरों में दो तीन क्लासों को मिला के बैठा के व्यवस्था करनी पड़ती है। खेल मैदान के लिए सर आपने बताया जो ये पास में ही है और उबड़ खाबड़ है, तो इसके बारे में सर आपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया सर? बिल्कुल, मैंने ग्राम पंचायत में तीन बार प्रस्ताव बना के दिया है और उस प्रस्ताव के कहते हैं कि हमने प्रस्ताव बना के आगे भेज दिया। सर ये स्कूल अभी दो साल से हम यहाँ हैं, स्कूल आई है पहले रेलवे लाइन में गई हुई थी, रेलवे लाइन से अभी दो साल से यहाँ स्कूल आई है। ये दो कमरे हैं बस, तीन कमरे भी बन रहे हैं, उसका भी काम बहुत धीमी गति चल रहा है। चार दीवारी है नहीं, खेल मैदान है नहीं, पानी की समस्या है, पानी का एक होल बना रखा है उसमें भरते पानी पीछे। जनप्रतिनिधियों को बोला है, कलेक्टर को हमने चाहते चौपाल में उन्होंने जेपे में चार दीवार का लिख के दिया है, ग्राम पंचायत में लिख के तीन तीन चार चार बार दे दिया है। आसन दिया सरपंच को बोला नरेगा काम के हिसाब से लेकर सरपंच को बोला कि बहुत चार दीवारी करवाओ। ग्राम पंचायत क्या आश्वासन दे रहे हैं? हाँ करवाएंगे उसको, उसको भी दो साल हो गए कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनते। या कोई पेड़ लगाते हैं, गाय बकरी है देख लो अभी छोटी होती आपके सामने गाय पे, ये बकरी चल रही है, गाय चल रही है। सर एक ये भी सवाल है कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे गैलरी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विद्यालय में की कमी है, बिल्कुल कमी है। तो ये देश का भविष्य जिन बच्चों को बोलते, सरकार भी बोलती है देश का भविष्य है, तो इनका भविष्य कैसे बनेगा? तो बच्चे एक साथ में बैठे और पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको कितनी परेशानी होती होगी? कितनी परेशानी मतलब कह रहे हैं बस करते कोई नहीं, नए को देखने के लिए आते हैं बस, हम जाके तो हाँ कर देंगे। हाँ फोर लाइन रोड के पास में कभी अच्छा के देखे होल कितने हैं, बच्चे कैसे बैठे हैं, चार दीवारी है कि नहीं, क्या समस्या है, कोई पूछने भी नहीं आता है ना। ये तो गांव की समस्या है, स्कूल मार्ग कहते गवर्नमेंट कहते हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, अभी नई सरकार आ रहा है अभी वो एक घंटा हर शनिवार को बोला वो एक रात्री चौपाल बोला एक घंटे वो और करवाओ, अभी एक किलोमीटर यहाँ से बच्चे दूर जाएंगे, इसमें क्या पढ़ाई होगी? यहाँ सब आपके सामने कैसे बैठा बच्चे देखो, आठ मीटर स्कूल है, 40 मीटर में जगह में दोनों आठ क्लास बैठी, क्या पढ़ाई होगा? मार का पढ़ाई नहीं करे, कहाँ पढ़ाई करे, पानी नहीं है, चार दीवारी कुछ भी नहीं, काम कहते हैं लेकिन करते कोई नहीं है, हमको करते करते दो साल हो गए। जैसे सर ये स्कूल में और भी भवन बन रहे, कमरे बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं, इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, तीन होल और बन रहा है अभी, काम चालू अभी तो काम चालू लेकिन धीरे धीरे काम बन रहा है। ये इनको बनाने का काम कौन कर रहा था? इसका बनाने का काम तो ठेकेदार रायपुर का है एक, और वो सरपंच के अंडर में काम हो रहा है। ग्राम पंचायत कितना टाइम हो गया सर ये कमरे बनते हुए, जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए? 7-8 महीने हो गए सर इनको।